Good morning students. Today in this class we will discuss about some applications of radiation. Radiation ke kuch applications ke bare mein hum log discuss karenge. So first thing is, as you have generally observed that we wear light color clothes. Hum log kya karte hain? White color ke clothes pehante hain zyadatar summer ke time mein. Kyun? Because लाइट कलर क्लॉथ्स जो होते हैं वो हीट को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं. क्लियर? सिमिलरली रूम हीटर्स में जो होता है, रूम हीटर्स में हम देखेंगे तो सिल्वर कलर का जो उसकी उसमें सिल्वर कलर का पॉलिश होता है. क्यों पॉलिश होता है सिल्वर कलर का? क्योंकि वो जो हीट रेडिएंट होती है, रेडिएंट एनर्जी जो होती है हीट के फॉर्म में, उसको वो रिफ्लेक्ट करता है. क्लियर? तो ये हमारा हो गया रेडिएशन के कुछ एप्लीकेशंस. अंडरस्टूड? नाउ किस तरह से हम जो हीट लॉस होता है उसे हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, रोक कैसे सकते हैं? फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो जो हीट का लॉस होता है वो हॉट रीजन से कोल्ड रीजन तक, या फ्लो जो होता है वो हॉट रीजन से कोल्ड रीजन तक होता रहता है, जिसकी वजह से हमारे सराउंडिंग में कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि हीट को गेन करते हैं, लेते हैं, और कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो हीट प्रोवाइड कराते हैं, यानी कि हीट देते हैं. और ये तीन मोड्स में होता है प्रोसेस. तीन मोड्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट वन इज हमारा कंडक्शन, सेकेंड वन इज कन्वेक्शन, एंड थर्ड वन इज रेडिएशन. क्लियर? ये तीन मोड होता है, ठीक है, हीट लॉस करने का या फिर हीट गेन करने का. सो थर्मस फ्लास्क आप लोगों ने देखा होगा, थर्मो फ्लास्क, जिसमें कि अगर हम वाटर रख दें, अगर हॉट वाटर है तो वो हॉट रह जाता है और अगर कोल्ड है तो वो कूल ही रह जाता है. क्लियर? रीजन क्या है उसके बारे में हम जानेंगे. सो फॉर दैट हमने एक डायग्राम दिया है आप लोगों को. इसमें जब हम बात करेंगे तो ये हमारा थर्मस फ्लास्क होगा, ठीक है. ऊपर एक स्टॉपर होता है. जब हम थर्मस फ्लास्क का कैप ओपन करेंगे तो उसमें हम देखते हैं एक और अंदर से कैप होता है, उसे हम स्टॉपर बोलते हैं. इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है कि पहले जो होता है एक आउटर केस होता है, क्लियर. उसके बाद ये डबल ग्लास, डबल वॉल ग्लास वेजल होता है. डबल वॉल ग्लास वेजल, डबल वॉल कहने का मतलब वन टू, ठीक है. इसके बाद ये जो अंदर से होता है ये सिल्वर कलर से पॉलिश्ड होता है, सिल्वर कलर की ये वॉल होती है अंदर, ठीक है. अब इन दोनों के बीच में ये जो स्पेस हम देख रहे हैं ये क्या होता है? वैक्यूम होता है. क्लियर? और ये जो कर्व सीट में हम देख रहे हैं ये वैक्यूम को सील करने के लिए, कि वैक्यूम जो है वहां पे बना रहे. साइड में हम बॉक्स सपोर्ट देते हैं, ठीक है. अब इसके बीच में हम कहेंगे कि इसके बीच में वैक्यूम छोड़ने की क्या जरूरत है? सो एज वी ऑल नो दैट कि जो कंडक्शन या फ्लो ऑफ हीट होता है वो तीन मोड्स में होता है, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन. तो कंडक्शन और कन्वेक्शन में हमने पढ़ा था कि फ्लो ऑफ हीट के लिए एक मीडियम की जरूरत होती है, ठीक है. अब जब यहां पे बीच में वैक्यूम हो गया तो कोई मीडियम मिल नहीं रहा है जिससे कि फ्लो ऑफ हीट क्या होगी, वो रुक जाएगी, हीट फ्लो नहीं करेगी. जब हीट फ्लो नहीं करेगी तो एज इट इज जो भी टेम्परेचर अंदर लिक्विड का है वो मेंटेन रहेगा. क्लियर? एंड रेडिएशन, तो इसकी वॉल को हमने यहाँ पे अंदर एक सिल्वर कलर वॉल इसीलिए लगाया है कि जो भी रेडिएंट हीट होगी उसको ये क्या करेगा, ये रिफ्लेक्ट कर देगा. क्लियर? सो ये तीनों प्रोसेसेस यहाँ पे क्या होते हैं, फ्लो ऑफ हीट कराने में सक्सेसफुल नहीं होते हैं, जिसकी वजह से इसके अंदर कोई भी लिक्विड हम जिस टेम्परेचर पे डालेंगे वो उसी टेम्परेचर पे बना रहेगा. क्लियर?
दिस इज अबाउट थर्मस फ्लास्क एंड इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन और एनी थिंग यू वॉन्ट टू आस्क यू कैन आस्क मी क्लियर सो दिस इज ऑल फॉर टूडे एंड यू कैन मेक योर नोट्स विद हेल्प ऑफ दिस एंड ऑल्सो यू कैन कंसल्ट टू योर बुक थैंक यू एवरीवन हैव अ नाइस डे